समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू और सनातन विरोधी बयानों से विवाद में घिरे रहते हैं। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला है। सपा नेता ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दो बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक कला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। वहीं 2 महीने पहले गडकरी जी ने भी कहा, लेकिन इन लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भावना भी आहत नहीं होती। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि धोखा है। तो चलिए क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको सुनाते हैं। सत्ता में बैठने के बाद भी हम हिंदू मानते हैं, खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गो के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, इन लोगों के जीवन जीने की शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दोनों बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मनमोहन जी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तो दौरे पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1995 में कहा, वो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में FIR की झड़ी लग जाती है। देखिए, जो सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म है, और सनातन धर्म सभी जानते हैं, कृते च प्रतिकर्तव्यम, इस धर्म सनातन है, जो हमारे प्रति कार्य करता है, उपकार करता है, उसके प्रति हम भी करें, यही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है यही हिंदू के लिए है। हिंदू धर्म है यह कहना गलत है। हिनत दोषान जस हिंदू, जो अपने में रहने वाले दोष को हटाता है और सद्गुणों को लाता है, अहिंसा परमो धर्मों का पोषक है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और इन सब का जो पूजा करने वाला है, देवी देवताओं का पूजा करने वाला है, और सर्वे भवन सुखिना की जो प्रार्थना करता है, और सद्भावना की भावना जो रखता है, और जो वसुंधैव कुटुंबम की बात करता है, यह जितने गुण हैं वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म है। और यह कभी नहीं, न प्रधानमंत्री जी ने कहा, न आरएसएस ने जी के प्रमुख ने कहा, और न ही हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, यह केवल मनमुखी है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है। और अभी जब ये अखिलेश जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया तब उनको हिदायत दिया है, इनको क्या बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी का भी अपमानजनक बात न कहें, और फिर भी ये नहीं मानता है, और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का, और समाजवादी में घुस करके, और यह उनको नाश करने वाला, उनको पराजित करने वाला ये भाषा बोलता है, जिससे कि हिंदू नाराज हो, यानी ब्राह्मण नाराज हो, और सभी लोग नाराज हो जाएं, इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है, जबकि स्वयं अखिलेश जी ने
कहा कि नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी बात का मौर्या जी आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी बोल रहा है ऐसे को, ऐसे मूर्ख को, जैसा कि राम भद्राचार्य का है, मूर्ख है, ज्ञानी है, इसको कुछ किसी प्रकार ज्ञान है नहीं है, इसलिए उठपटांग बोलता है। ऐसे उठपटांग बोलने वाले की कोई महत्व नहीं है, और जो बोलता है सब झूठा बोलता है।